फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है हिंदी ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज की इस नए वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वीडियो एडिटिंग के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत से लोग होते हैं कि सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उसको अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पे, जिससे उनके चैनल का व्यूज़ भी बहुत कम आते हैं और उनके चैनल आगे भी नहीं बढ़ते फ्रेंड्स। लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ आप अपने मोबाइल से अपनी जो वीडियो को है उसे अच्छी तरह से फुल HD में कैसे एडिट करेंगे और कैसे फ्रेंड्स एकदम अच्छा दिखने वाला फ्रेम डालेंगे उस वीडियो में, मतलब मोबाइल का फ्रेम। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे क्लिक करके फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री होता है फ्रेंड्स। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत ही धन्यवाद। फ्रेंड्स, आपको बता दूँ कि उस वीडियो एडिटिंग के लिए आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा जिसका नाम है पावर डायरेक्टर। ये फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। मैं ओपन करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको ऐसा दिखेगा। इस पर फ्रेंड्स आपको बीच वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको कोई प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं या फिर नहीं देना है तो ओके कर दीजिए। फिर आगे आप वीडियो एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है, एक कलर बोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी जो आपको कलर बोर्ड अच्छा लगता है जो आपके मोबाइल के पीछे रहेगा। जैसे मैं अभी कलर बोर्ड नहीं, पहले फ्रेंड्स आपको चैनल ट्रेलर ले लीजिए क्योंकि ये स्टार्ट में रहते हैं वीडियो के, तो पहले चैनल ट्रेलर, उसके बाद यहाँ से आप ले लीजिए कोई भी कलर बोर्ड ले लीजिए फ्रेंड्स, जैसे मैं ले लिया। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं वीडियो पे। यहाँ पे आने के बाद फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं साइज, क्योंकि हमारा वीडियो लगभग 2-3 मिनट से ज़्यादा का रहता है, इसलिए आपका वीडियो जितना मिनट का हो उतना लंबा इसको आप कर सकते हैं। मैं इतना अभी रहने देता हूँ। उसके बाद आपको करना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप दिख रहे हैं थर्ड ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे उसके बाद आपको इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, इमेज या फिर पहले आप वीडियो ले लीजिए। आपको जो वीडियो बनाए हैं आपने वो वीडियो आप यहाँ से पहले ले लीजिए। जैसे मैं ये वीडियो ले लेता हूँ, यहाँ से ये वीडियो लेने के बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है, बैक चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको उसी पर वापस क्लिक करना है और यहाँ पर इमेज लेना है। इमेज में फ्रेंड्स आपको बता दूं कि एक मोबाइल की फ्रेम की ज़रूरत पड़ेगी जो PNG में रहना चाहिए, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप वहां से नहीं मिलता है तो आप फ्रेंड डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। ये देख लीजिए, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ वो PNG फ़ोटो। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये है फ़ोटो। अभी आपको करना क्या है, पहले फोटो ये मोबाइल का जो स्क्रीन है इसको बड़ा कर दीजिए। ये देख लीजिए, इसको ऐसे बड़ा कर दिए। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे वीडियो पे क्लिक कीजिए, वीडियो को ये स्क्रीन के साइज का कर दीजिए। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, अभी ये जो है आप जितना बड़ा वीडियो है उतना बड़ा इसको खींचकर बड़ा कर दीजिए ताकि आपके वीडियो के लास्ट तक मोबाइल का फ्रेम रहे। अभी हम प्ले करके देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ से, ये देख लीजिए ऐसा प्ले होगा फ्रेंड्स। देख लीजिए फ्रेंड्स, इस हिसाब से आप जो है अपना वीडियो एडिटिंग फ्रेंड्स इजीली कर सकते हैं और अपने स्मार्टफोन से आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स मैं बताता हूँ कि इस वीडियो को सेव कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको कॉर्नर में एक ऊपर निशान दिख रहा होगा जो इस साइड का दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर नीचे देख सकते हैं प्रोड्यूस वीडियो आ रहा है, उस पर क्लिक करना है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे सेव टू गैलरी, उसके बाद यहाँ पे आपको कौन सा क्वालिटी चाहिए वीडियो का, मतलब फुल HD, HD, SD जो भी आपको चाहिए फ्रेंड्स, क्लिक करके प्रोड्यूस पे क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जो है सेव होना आपके मेमोरी कार्ड में या फ़ोन मेमोरी में चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरा पूरा पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड रियली आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।